कुछ पता नहीं चला अभी तक। पुलिस ट्राई कर रही है पर पकड़ में नहीं आ रहा है। अब क्या होगा टीना? देखो मुझे अभी भी इस बात का सबसे अच्छा सलूशन यही लग रहा है कि तुम अनुभव को सब सच बता दो। मेरी शादी टूट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो? क्या पता अनुभव समझ जाए। साक्षी, राघव तभी तक स्ट्रॉन्ग है जब तक हम सच सबके सामने नहीं ले आते। नहीं टीना, ये मुझसे नहीं होगा। तुम प्लीज यार कुछ और सोचो। और जितना मैं उस राघव को जानती हूँ ना, अब वो हमसे पहले से ज्यादा दुश्मनी निकालेगा। हाँ, इतना तो मैं भी जान गई हूँ कि उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। कुछ पता चला उस राघव के बारे में? नहीं मैं, अब तक तो कुछ भी नहीं। जिस नंबर से उसने कॉल किया था उस पर कॉल बैक किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे तो टेंशन हो रही है कि ऐसा ना हो मेरा ध्यान यहाँ हो, उस नायरे को कुछ भी नुकसान पहुंचाने। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कार्तिक, ऐसे मत सोचो तुम। तुमने तो कल की पार्टी में बुलाया नहीं टीना, लेकिन मैं तो आऊंगा, गिफ्ट्स भी दूंगा पूरी फैमिली को। कभी सोचा है तुम्हारी फैमिली को पता चलेगा तो क्या होगा? तुम्हारी तो बैंड ही बच जाएगी। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, सुन क्यों नहीं रहे हैं आप मेरी बात? मैं कह रहा हूँ ना, आपकी लेटर देखिए। सर मैंने बोला ना आप अंदर नहीं जा सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, अरे एक बार मिलने तो दीजिए आप। इतनी रात को मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता सर। मैं मिलके रहूंगा। तुम? अच्छा हुआ तुम नीचे आ गई, नहीं तो मैं ऊपर ही आने वाला था। हैरान हो रही हो कि मैं यहाँ कैसे आया? अरे स्टूपिड, मैं तो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में था जब तुम वहां पुलिस वालों के साथ मुझे ढूंढवा रही थी। तो मैं तुम्हारे घर में आने का प्लान कर रहा था। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें बहुत से सरप्राइज देने हैं। गोयनका फैमिली, ये जो आपकी बहू है ना, नायरा उर्फ टीना, जो मुझसे प्यार करती थी, प्रेग्नेंट भी हुई और फिर ऋषिकेश पे अपना एबॉर्शन करा लिया, बाद में नायरा बनके बन गई इस घर की बहू। ये सोचकर कि नाम बदल लेने से बीता हुआ कल भी बदल जाएगा, है ना नायरा? दादी, ये झूठ बोल रहा है दादी। अब प्लीज इतनी कोई भी बात मत सुनिए किसी बात में। मैं हम कागज देख चुके हैं नायरा। दादी प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए दादी। अब और क्या सुनना बाकी है? हमने तो पहले ही किट्टू से कहा था, जो लड़की घर से इतने साल बाहर रही है, जिसका कोई अता पता ठिकाना नहीं था, उसकी अच्छी तरह से पूछताछ कर लो। लेकिन वो नहीं माना। I swear, ये झूठ बोल रहा है कार्तिक। तुम्हें तो भरोसा है ना मुझ पर? प्लीज सबको समझाओ ना कि मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे।
मुझे अपनी नायरा पर पूरा भरोसा है। तुम ठीक हो? हैरा, कोई सपना देखा? बहुत ही बुरा। दो बजकर 8 मिनट हुए। कहते इस वक्त के देखे गए सपने कभी सच नहीं होते, कभी भी नहीं। पर सपने का एंड अच्छा था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे चाहिए। हाँ तो सॉरी, वो 2:07 वाले सपने होते जो कभी पूरे नहीं होते, 2:08 वाले आधे पूरे होते और आधे नहीं। तुम साथ हो तो सब डर गए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ? अभी अभी दुकान से फोन आया था, जो सेंटा बनते हैं वो बीमार पड़ गए। अरे तो फिर अब क्या करेंगे? क्या करें, मैं ही सेंटा बन जाता हूँ। तुम क्यों बनोगे सेंटा? मैं बनूंगी। नहीं नहीं, मेरी बात हो गई उनसे, मैं सेंटा बन जाता हूँ। अरे किससे बात हो गई? मैं बन जाऊंगी ना सेंटा, प्लीज। अरे पर मैं बन जाता हूँ, मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। अरे तुम दाढ़ी में कैसे लगोगी? मैं बहुत अच्छी लगूंगी, मुझे सेंटा बनना, मैं पहले भी बनी। अरे पहले कब बनी? क्या हो रहा है, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे सेंटा बनना रही है, मुझे सेंटा बनने नहीं दे रहा। पहले ही बात हो चुकी है कि मैं सेंटा बनने वाला। कब बात हुई? वो अभी अभी दुकान वाले से। एक मिनट, फैसला हम करेंगे कि कौन बनेगा। जो ज्यादा देर तक ये बोल के दिखाएगा जो अभी हम बोलने जा रहे हैं वो बनेगा सांता क्लॉज। ओ सुपर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़की या खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़की के खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। फैसला हो गया, सांता किट्टू बनेगा। पर एक चांस तो बनता है। हाँ ये बनता और मैं संता। How funny. Love you, दादी। कार्तिक, हम बिना मतलब के झगड़ा कर रहे थे, सांता तो उसे बनना चाहिए था ना, इसी बहाने वो सबके साथ पार्टी में इन्वॉल्व भी हो जाता। ये फिट नहीं है। ओ, अरे अरे। लवकुश! लवकुश, थोड़ा संभाल के। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अब ट्री गिर जाता, सारा डेकोरेशन टूट जाता। सॉरी सॉरी सॉरी। ओ, क्रिसमस मना रहे हैं। मैं सांता बन जाऊंगा, मजा आएगा। हमने फैसला कर लिया है सुरेखा, सांता तो किट्टू ही बनेगा बस। अरे वाह माजी, बच्चे तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बाहर वाला कोई सेंटर बने उससे अच्छा है ना, अगर उनके अपने भैया बनते तो मजा तो डबल हो गया। हाँ, चलो चलो जल्दी चलिए। शुभम, हम सोच रहे थे कि तुम सांता बन जाओ प्लीज। नहीं, मुझे नहीं बनना कुछ भी। शुभम, इसे क्या हुआ? नाराज है शायद अभी भी। अरे ऐसे कैसे चलेगा, घर पर सब खुश है, एक सिर्फ यही। इट्स ओके कार्तिक, हो जाएगा ये भी ठीक। पार्टी में इसका मूड ठीक नहीं हुआ ना तो कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा। हम कोशिश करेंगे इसे खुश रखने की भी और पार्टी में इन्वॉल्व करने की भी। दुकान वाला सेंटा बीमार हुआ नहीं है, कराया गया है पैसे देकर। अब सेंटा होंगे दो और कमाल करेगा वो। हेलो, तुम यही चाहते हो ना कि मैं टीना का पीछा छोड़ दूं? छोड़ दूंगा लेकिन कीमत लेकर। अगर दे सकते हो हाईवे के पावर हाउस में मिलो 11 बजे। लो, घर में पार्टी है लेकिन इस राघव से एक बार मिलना बहुत जरूरी है। मां को बताकर अभी निकल जाऊंगा मैं। बहुत हो गया। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।